हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। और आज हम इस बैंक के बारे में क्यों पढ़ेंगे, इसका रीज़न मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये भी एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक ही है। इसका मेन फंक्शन जो डेवलपिंग मेम्बर कंट्रीज़ हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना और उनमें से गरीबी हटाना है, ठीक है। इसको इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट ई कैफे की सिफारिश से बनाया गया था, और इनिशियली इसमें एशिया को डेवलप करने के लिए ही बनाया था, बट बाद में सबको अलाउ करने लग गया, ताकि क्योंकि जैसे यूके या यूएस जैसी कंट्री जो इसको फंडिंग प्रोवाइड करती है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा पैसा है बजाय दूसरे कंट्रीज़ के, तो वो क्या करता है, उसको उससे हमें फ़ंड लेना ही पड़ा और उनको भी मेम्बर बनाना था, ठीक है। इसके अलावा मेंबर्स का बात करते हैं, तो जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में, तब सिर्फ 31 मेंबर्स थे, बट अब वो ग्रो होकर 68 मेंबर्स हो गए हैं, ठीक है। रिसेंटली अभी एक नाइफ मार्च 2019 में नया नाइफ नाम से एक कंट्री मेंबर है, उसको ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं जीके में कि रिसेंटली कौन सा अभी कंट्री ऐड हुआ है, तो आप नाइफ का नाम लिखेंगे NIVE, ओके। इंडिया शुरू से ही इसका मेंबर रहा है, ओके, 1966 से ही। इसको मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है। देखिए, मल्टीलेटरल मतलब जिसको हम पास ऑन कर सकते हैं, जैसे रुपीस, हमारे इंडियन रुपीज़ की करेंसी, वो कहीं और नहीं चलता है, ओके, बट डॉलर क्या होता है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, तो इसलिए डॉलर मल्टीलेटरल है। और अगर हम अपना रुपीज़ किसी को देते हैं, वो एक्सेप्ट कर ली होती है, तो वो बायलेटरल होगा, मतलब सिर्फ मैंने दिया, किसी और ने एक्सेप्ट किया। मल्टीलेटरल मतलब सबको, सब उसको एक्सेप्ट कर लेते, जैसे डॉलर को, ओके। इसके अलावा अगर हम इसका मैनेजमेंट देखें, तो एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जो हमेशा जापान से होता है, ठीक है। और इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी रिसेंटली जो है वो भी जापान से है, और उसका भी आप मुझे कमेंट करके ढूंढ के बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा 6 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 12 डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, और उनमें से 8 एशिया पैसिफिक के होते हैं और 4 आउटसाइड से होते हैं, ठीक है। हमारे भी जो कंट्री के, इंडिया के जो मेंबर हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर, वो कौन है, निर्मला सीतारमण रिसेंटली, और उनकी जगह अल्टरनेटिव गवर्नर कौन काम करते हैं, तरुण बजाज, ओके। अब चलिए, तो छोटा सा ही टॉपिक था, बट जो बात ये थी कि आज हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं ना, तो वो देखिए इसलिए पढ़ रहे, बिकॉज इसका जो फाउंड इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 19 दिसंबर 1966 में था, मतलब आज के दिन ही हुआ था, ठीक है। इसलिए मैं ये टॉपिक आपको पहले ना पढ़ा के आज 19 दिसंबर को पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको ये डेट एकदम याद हो जाए, ठीक है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता ही देंगे। और उसके अलावा भी देखिए, अभी रिसेंटली कोरोना चल रहा है, उसमें भी मतलब अराउंड 7 मंथ पहले ही इसने $20 बिलियन का क्विक सपोर्ट दिया था COVID-19 में, जब पैंडेमिक हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक अच्छे से अपना फ़र्ज़ निभा रहा है और काम करता है, और इसका जो फंडिंग है अपने कंट्री मेंबर से ही लेता है, बट इतना हो नहीं पाता है, और सबसे ज़्यादा जापान ही इसको जो है वो डोनेट करता है, और यूएसए और यूके भी इसको एशिया से हट के उनको एड ऑन करते हैं फंडिंग में, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक और लेक्चर बचता है एग्रीकल्चर फाइनेंस का, वो भी मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट करा दूँगी, इसके बाद आपका ये कोर्स एग्रीकल्चर फाइनेंस कंप्लीट हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके नेक्स्ट बता सकते हैं आपको क्या पढ़ना है, तो मैं आपको वो पढ़ा दूँगी, ठीक है। तो चिंता मत करिए, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मैम जल्दी पढ़ाइए, तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बस मुझे कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है, इसका एक लेक्चर और लगेगा, मैं आपका एग्रीकल्चर फाइनेंस पूरा कंप्लीट करा दूँगी, ओके। आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।